अब जब अगले साल चुनाव होने वाले हैं उससे पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंप दिया है। आपको बता दें हालांकि इस इस्तीफे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के थोड़ा इंतजार करना पड़ा और अब इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से, ऐसा लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। अब देखना होगा कि आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो क्या दलीलें निकलकर सामने आएंगी, क्या तर्क निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि अभी तक अस्पष्ट है, अभी तक ये साफ नहीं है, अभी तक कारण नहीं पता है कि किन स्थितियों में किन परिस्थितियों में ये फैसला त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लिया है। आखिर वो क्या कारण क्या वजह रही जिसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इतना बड़ा फैसला लिया, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, इस बारे में अभी तक सस्पेंस बरकरार है। अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि किन कारणों की वजह से किन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। देखना ये होगा कि आगे इसके बाद क्या निकलकर सामने आएगा, क्योंकि अब इसके बाद मुख्यमंत्री पद जब खाली हो गया है तो मुख्यमंत्री पद पर कौन आगे विराजमान होगा, इसको लेकर के भी अटकलें समय से पहले ही चलनी शुरू हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच अभी तक की जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो स्पष्ट यही, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव और सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं नेटवर्क 10 उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। इसके बाद बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक ये चीजें स्पष्ट नहीं है, अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि किन कारणों की वजह से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इतना बड़ा फैसला लिया। पिछले चार दिनों से उत्तराखंड में इस तरीके की स्थिति बन रही थी, परिस्थितियां बन रही थी जिसमें ये अटकलें लगाई जा रही थी कि एक बड़े बदलाव की तरफ उत्तराखंड की सरकार जा सकती है और वो बड़ा बदलाव मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर के शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत के जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है और अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, थोड़ी देर में मीडिया से मुखातिब होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मीडिया से बात करेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत।